के लिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिगो वीडियो एप्लीकेशन पे लिरिक्स वीडियो कैसे बनाते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अगर आप भी बिगो वीडियो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप सीख लीजिए बिगो वीडियो में लिरिक्स वीडियो कैसे बनाते हैं, सॉन्ग के साथ जो टेक्स्ट चलता है उस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं चला जाता हूँ बिगो वीडियो एप्लीकेशन में, बिगो वीडियो एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करके देखते हैं किस तरह से बनाते हैं लिरिक्स वीडियो। ठीक है, इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने कैमरा ओपन कर लेना है बिगो वीडियो एप्लीकेशन का, जहाँ पे क्लिक करके कैमरा पे को ओपन करने के बाद म्यूजिक ऐड कीजिए। म्यूजिक ऐड करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए जैसे आप पहले रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद लिरिक्स ऐड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो प्ले हो जाएगा, वो सॉन्ग आपको सुनाई देगा। आपने क्या करना है, देखिए ऊपर सबसे ऊपर जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है जहाँ इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मतलब जो भी सॉन्ग है उसके लिरिक्स आपने पहले टाइप कर देना है। कुछ भी टाइप कर देता हूँ, आपने लिरिक्स ऐड करने हैं गाना सुन के, सॉन्ग सुन के। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड जहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड लगाने के बाद जहाँ फिनिश कर देना होता है, इतना करते ही नीचे देखिए, पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं। स्क्रीन पे इसे जहाँ पे लगाना है अपनी उंगली से सेट करके लगा दीजिए, बड़ा या छोटा जितना भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, नीचे यहाँ टाइमर सेट करना है, जब सॉन्ग स्टार्ट हो इसे वहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, और कितने टाइम तक लगाना है वो भी जहाँ से सेट कर दीजिए। एक लिरिक्स ऐड हो गया, उसके बाद फिर जहाँ देखिए टी का जहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर टच करना है। फिर से अपने नेक्स्ट जो लिरिक्स होंगे सॉन्ग के वो ऐड करना है, फिर से फिनिश कर देना है ये, मतलब उसके बाद देखिए जो जो पहले ऐड किया है वो जहाँ पे आके जब ख़त्म होगा उसके बाद ये नेक्स्ट लिरिक्स आ जाएंगे। ठीक है ना, पूरा सॉन्ग इस तरह से आपने टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद नीचे देखिए, नीचे जो टाइमर का ऑप्शन वगैरह है वो सेट करते जाइए अपने हिसाब से। ठीक है ना, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देख लीजिए हिसाब से। तो उसके बाद फिनिश कर देना है, आपका वीडियो बन के रेडी हो जाता है और उसके बाद आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप लिरिक्स वीडियो क्रिएट कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।